बॉम्बे का जो मीटअप था उसमें बेसिकली एक बंदे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, जो ये था कि सर हम सब लोग इस तरफ खड़े हैं और आप दोनों की बात सुन रहे हैं, आप दोनों मतलब मैं और अभिनव, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम लोग एक दिन उस तरफ खड़े हों और हमारी भी लोग ऐसे सुने, या हमें भी कोई नोटिस करे, या हमारी भी पर्सनैलिटी हो। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे एडवांस्ड हमने वीडियोस बनाए डेटिंग से रिलेटेड, माइंड की थिंकिंग से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, लेकिन आज मैं एक बेसिक वीडियो बनाना चाहता हूँ बिगिनर्स के लिए, जिनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी अभी शुरू करनी है। और किया जाएगा ये अपने ही अंदाज में, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे वीडियोस चिपचिपाट से भरे हुए होते हैं। अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाना है और एक ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी कैसे बनानी है, तीन चीजों में ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि लोग तुम्हें अपने आप वैल्यू दें बिना तुम्हारी कुछ मेहनत किए डायरेक्टली उनके ऊपर कि भाई मैं सो एंड सो हूं प्लीज मुझे भाव दो। नहीं, बिना भीख मांगे तुम्हें भाव मिलेगा। नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है। तीन पॉइंट्स बताने वाला हूँ तुम लोगों को, जो तुम्हारे लिए थोड़ा सिंपल कर देंगे कि पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया जाता है, इस चीज को हैक कैसे करें। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सरफेस लेवल चीजों की, और फिर हम बात करेंगे इंटरनल चीजों की। तो एक्सप्रेशन की जब बात आती है, इसका मतलब क्या है, लोग अगर फॉर एग्जांपल मेरी बात करो या किसी और इंसान की बात करो जो पब्लिक डोमेन में है, या फिर पब्लिक डोमेन में लाया गया है क्योंकि इतने सारे लोग उनकी बात सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बाहर डालते हैं। नॉर्मली हम अंदर डालने की बातें करते हैं इस चैनल पे, लेकिन हम आज बाहर डालने की बात करने वाले हैं, और वो है हमारा ओपिनियन, हमारे ख्याल, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स। किसी भी इंसान को अगर नोटिस किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अंदर से उसकी तरफ एक रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बाहर डाला है तो हमने एक रिएक्शन दिया जो या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। और अगर कोई भी रिएक्शन नहीं है तो वो बहुत फालतू चीज है, क्योंकि इसका मतलब उस इंसान का जीरो इंपैक्ट था। पॉजिटिव हो रिएक्शन या नेगेटिव हो, दोनों अच्छी चीजें। क्यों? क्योंकि उससे इमोशन आता है हमारे अंदर जब हम रिएक्शन दे रहे हैं किसी को, चाहे अपने दिमाग में हो। अगर हमने उससे बात नहीं कर रही है लेकिन हमारे दिमाग में हमने किसी को नोटिस किया है, हमें एक रिएक्शन आता है, एक इमोशन आता है, जिसकी वजह से हम उसकी पर्सनालिटी को एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज में देखते हैं अपने दिमाग के अंदर, कि ये बंदा स्मार्ट है, या फिर ये बंदा डफर है, या फिर ये बंदा एक नंबर का हराम खो रहा है, इसको कभी भी अपने अंदर की बात में बताना ये पूरे कॉलेज को बता देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब आता है, इसका मतलब किसी की पर्सनालिटी हमने नोटिस की है। और मैं ये तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम में से मोस्ट ऑफ द पीपल खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब तुम्हारे जो अंदर की बातें हैं तो उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब कुछ हो रहा होता है तो तुम अपनी ओपिनियन क्यों नहीं वॉइस करते? जब किसी चीज के बारे में तुम्हारे को कुछ फीलिंग्स है, जब दो लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है और तुम साथ में खड़े हो, तुम चुप क्यों हो अगर उस कॉन्वर्जेशन में तुम्हारे पास भी है कुछ बोलने को? बोलना शुरू करो। मोस्ट पीपल, उनको डर लगता है कि यार लोग सोचेंगे कि मैं गधा हूं, या फिर मेरी ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा है भी तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तक तुम ये करना नहीं शुरू करोगे। और तीसरी चीज, जब तुम करना शुरू करोगे तुम ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे, क्योंकि बाकी के जो दो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो तुम्हें और ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इसी चीज के ऊपर। खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करो हर टाइप के तरीके में। तुम्हारी ड्रेसिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करो कि तुम्हारी थिंकिंग मॉडर्न है कि ये ट्रेडिशनल है। अपने स्पीच के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करो। जैसे मैं कुछ वीडियोज में गालियां बकता तो लोगों को लगता है यार ये बड़ा कूल बंदा है, भाई जैसा है। कुछ वीडियोज में बिल्कुल गाली नहीं बकी है तो लोग अपनी फैमिली को भी दिखा सकते हैं वो वीडियो। क्यों? क्योंकि वो टाइप की पर्सनैलिटी फैमिली को पसंद आएगी, गाली देने वाली तो वो माँ बाप के सामने नहीं दिखा सकते। तो तुम समझ रहे हो मैं एक्सप्रेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उससे क्वालिटीज और ट्रेट्स निकलते हैं जिससे एक इंसान की पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता है। सरफेस लेवल की बातें जो हैं उनके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी। और वो क्या है? सरफेस लेवल पे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक हो गया, ड्रेसिंग सेंस एक हो गया, किस तरह से तुम बात करते हो लोगों से। मतलब मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूं, क्या मैं तुम्हारी आंखों में देख के बात कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो इसमें दिखता है कि मुझमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे अपनी ही बात के ऊपर उतना भरोसा नहीं है। तो जब अपनी ही बात के ऊपर उतना भरोसा नहीं है और लोगों को दिखेगा तो तुम्हारी पर्सनालिटी वीक डिटरमिन करी जाएगी। हमें किस टाइप की पर्सनालिटी चाहिए? जो मैग्नेटिक हो, मतलब तुम कमरे के अंदर चलो सबकी आंखें ऑटोमेटिकली उधर जाएं, लोग तुम्हें देखें, नोटिस करें, और अगर तुम बक बक करना शुरू करो लोग तुम्हारी सुने। वो कब होगा? जब फर्स्ट इंप्रेशन जो सरफेस लेवल से आता है वो पॉजिटिव हो, कि ये बंदा स्मार्ट है, ये बंदा हमसे ऊपर है, तो यार इसने कुछ तो सही किया लाइफ में, देखते हैं व्हाट इज ही अबाउट। बॉडी लैंग्वेज के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, अगर तुमने आज तक वो नहीं देखा चेक दिस आउट। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी चेकआउट करो। कम्युनिकेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, वो ये है कि खुद जब तुम किसी से बात कर रहे हो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तुम बात कर रहे हो तुम किस लिए कर रहे हो, और जिससे कर रहे हो
क्यों उससे कर रहे हो, ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन क्लियर हो और जो तुम बोलो हर शब्द का वेट हो, मतलब लोग तुम्हें फालतू की बकबक करने वाला इंसान ना समझे। मतलब इसकी पर्सनालिटी तो है, चलो ये वेल ड्रेस्ड है, लेकिन जब ये मुंह खोलता है तो चुप ही नहीं होता, या फिर जब ये मुंह खोलता है तो कोई भी काम की बात नहीं करता। सेकेंड चीज जो कम्युनिकेशन के बारे में है वो ये है कि भाषा। आधे से ज्यादा लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनको कॉन्फिडेंस में कमी लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो लोग मेरी पर्सनालिटी को स्ट्रांग नहीं समझेंगे और समझेंगे कि मैं वीक हूं या ये हूं या वो हूं। पहली चीज भाषा जो मैं जोन से भी आती है, चाहे तुम्हें हिंदी भी नहीं आती हो, तुम्हें मराठी आती है या सिर्फ पंजाबी आती है, तुम उस चीज की चिंता मत करो कि तुम्हारे को बाकी दुनिया कम वैल्यू से देखेगी, ये मत होने दो। क्यों? क्योंकि तुम जहां पैदा हुए थे वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें अगर कोई भाषा आती है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, तुम उस भाषा में कंफर्टेबल हो, अपने आप को एक्सप्रेस करो उस भाषा में, लेकिन दूसरी भाषाएं भी सीखो। अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसे दोस्तों से बात करो जिनके साथ तुम सिर्फ हिंदी में ही बात कर सकते हो। अगर तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम इंग्लिश की किताबें पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश की ट्यूशन लगा लो या क्लास लगा लो, या फिर मैंने इस चैनल के ऊपर पहले एक ऐप के बारे में बात करी थी जो है कैमली, और वो एक ऐसी ऐप है जहां पे घर बैठे बैठे तुम्हें अपने पे अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंगली जब तुम्हारे पास टाइम है तब तुम्हें एक एक्चुअल इंग्लिश ट्यूटर मिल जाता है, वो भी तुम्हारे सीधा फोन के ऊपर तुमसे वीडियो चैट करने के लिए। और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नॉर्मली वो सारे नेटिव स्पीकर्स होते हैं, मतलब कि वो एक्चुअली ऐसे देश में पैदा हुए होते हैं जहां पे अगर तुम पंजाबी हो तो पंजाबी तुम्हारी मदर टंग होती है, उनके लिए अंग्रेजी उनकी मदर टंग है, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी होती है कि जब तुम बात कर रहे होते हो उनसे प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ये बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन होती है, जब तुम कैम्बली के थ्रू अगर तुम इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तो इट इज अ कॉन्वर्जेशन, तुम एक दूसरे से बात कर रहे होते हो वीडियो चैट के थ्रू, और बेसिकली अगर उसमें तुमने कुछ गलती करी तो वो उधर ही के उधर तुम्हें साथ साथ बताते कि नहीं इसको ऐसा मत बोला करो, इसको ऐसे बोला करो, या फिर ये बात करने का थोड़ा ज्यादा पोलाइट तरीका है तो मे बी तुम अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हो एंड यूज मोर पोलाइट एंड मोर फ्रेंडली वर्ड्स। तो इट इज अ वेरी गुड ऐप जिसको भी इन्वेस्ट करना है अपनी पर्सनालिटी के अंदर एंड यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू गो ओवर अ स्पेसिफिक टॉपिक और मे बी दे वांट टू गो ओवर वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, ताकि तुम एक नई पॉपुलेशन को भी इंप्रेस कर सको अपने स्किल सेट के साथ और दिखा सको कि तुम कौन सी चीजों में अच्छे हो। यू कैन चेक आउट द ऐप, मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ। जो मैंने इसके पहले जो पॉइंट की बात करी थी बॉडी लैंग्वेज की और साथ में ड्रेसिंग सेंस की, मैं चाहूंगा ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मैं थोड़ी बात और करूं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज मोस्टली थ्रू रिसर्च एंड प्रैक्टिस। तुम अगर पढ़ोगे कैसे बॉडी लैंग्वेज करनी चाहिए या फिर तुम वीडियो देखोगे और फिर तुम प्रैक्टिस करना शुरू करोगे कॉन्शियसली, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू योरसेल्फ। ड्रेसिंग सेंस की जहां बात है वहां पे भी तुम रिसर्च करो, ठीक है, वहां पे भी तुम पता लगाओ कौन से टाइप के कपड़े तुम्हारी बॉडी को सूट करेंगे, तुम्हारे को कौन सा फिट अच्छा लगेगा, लेकिन उधर भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन बाइंग क्लोथ्स जो ज्यादा फ्लैशी नहीं है, ज्यादा ट्रेंडी नहीं है, ना तुम्हें टू यंग दिखाते हैं और ना तुम्हें टू ओल्ड दिखाते हैं। एक तुम अगर पर्सनालिटी लाना चाहते हो तो जो यूनिवर्सली अट्रैक्टिव है, यूनिवर्सली मैग्नेटिक है, मतलब बुढ़े लोग भी तुम्हारे को पसंद करें, यंग लोग भी तुम्हारे को पसंद करें, बिजनेस वाला बंदा भी तुम्हारी बात सुने और एक स्कूल का स्टूडेंट भी तुम्हारी बात सुने, तो तुम्हें कपड़े भी ऐसे पहनने पड़ेंगे कि तुम रिलेटेबल हो हर इंसान के साथ। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सडनली तुम्हारे सारे बाल पिंक और गोल्डन हो गए और स्पाइकी हो गए, नीचे तुमने चेनें पहनी हुई हैं और पता नहीं क्या क्या उत्पटान चीजें करी, क्योंकि फिर तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो कि कितने लोगों के साथ तुम एक्चुअली रिलेट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लोग बहुत ही फिकल माइंडेड होते हैं, मतलब जैसे ही कुछ दिखता है वो जजमेंट बना लेते हैं, और जब वो जजमेंट बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग या तो बंद हो जाएगा, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, या तो उनका दिमाग खुला रहेगा और बोलेंगे हाँ मुझे पता करना है बंदा कौन है। तो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी मोल्ड किया करो, चेंज किया करो फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, बट अलॉन्ग विद दैट अगर तुम कपड़े ऐसे पहनने वाले हो कि तुम अपने आप को लिमिट कर दोगे कौन से टाइप की पॉपुलेशन के साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो, तो वहां पे भी तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी, और ये सिर्फ कपड़ों पे नहीं जाता, ये कपड़ों के बियॉन्ड भी तुम्हारे सरफेस पे जाता है। तीसरी जो चीज है जो एक्चुअल पर्सनैलिटी डिवेलप करता है, मतलब अंदर की चीज है, एक पर्सनैलिटी इंप्रूव कब होती है जब उसके अंदर कंटिन्यूअसली वैल्यू डलती रहती है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू, कुछ और नहीं डलता, वैल्यू डलती है। क्योंकि अगर तुम एक स्ट्रांग अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होना चाहते हो, सिर्फ उतना बनना आउटर लेवल पे इज नॉट इनफ, अंदर से भी उस चीज को सपोर्ट आना चाहिए, ताकि कोई सिर्फ
फर्स्ट जजमेंट पे तुम्हें ना समझे कि तुम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, जब वो तुमसे बात करें, जब वो तुम्हारा दोस्त बने या गर्लफ्रेंड बने या तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बने, वो एक्चुअली बिलीव करें और वो एक्चुअली इस ओपिनियन के साथ कंटिन्यूसली बिलीव करें उसके अंदर कि हाँ तुम एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल आज तक जो भी इंसान कॉन्टैक्ट में आया वो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहा, वो अभी तक गया नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं फालतू इंसान नहीं हूं, मैं एक चीज कर रहा हूं लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है, एक पर्पस है मेरे पास, एक मकसद है मेरी जिंदगी में और उससे रिलेटेड मेरी पर्सनालिटी एक फूल की तरह खिलते जा रही है। तो इसलिए हर बार जब वो मुझसे मिलते हैं मेरे पास कुछ और नया होता है उन्हें दिखाने के लिए, कुछ और नया होता है एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ और नया होता है शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज़ों को लुक आफ्टर करने के बाद अंदर की चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रोक रहा, मतलब मैं अंदर अपने आप के कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किताबें पढ़ता हूँ मैं ताकि मेरी आंखों का इस्तेमाल हो सके, मैं एब्जॉर्ब कर सकूँ नया ज्ञान, नई इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी चीज़ें मुझे पता है उनको देखने का नज़रिया मेरा हर किताब के साथ बदलता जाता है। आंखों के थ्रू मैं सुनता हूँ, क्या वीडियो देख लिया, ठीक है, या फिर मैंने एक ऑडियो बुक सुन ली, या फिर पॉडकास्ट सुन ली, या फिर बड़े टाइप के लोगों से मिला, उनसे कॉन्वर्जेशन करी, या फिर कोई भी जो इंसान इंटरेस्टिंग है उससे कॉन्वर्जेशन करी। क्यों? ताकि मैं हर टाइम नए लोगों के थ्रू कम्युनिकेट करते रहूँ, नए लोगों के साथ कनेक्ट करते रहूँ। इससे क्या होता है, हर इंसान का दुनिया देखने का अपना तरीका होता है और जितने सारे लोगों से तुम मिलोगे जिंदगी में उतने सारे देखने के तरीके दुनिया के तुम एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हो। इसका मतलब उतने ज्यादा तुम रिलेटेबल बन जाते हो, उतने ज्यादा तुम मैग्नेटिक बन जाते हो। क्यों? मेरे को तुम क्यों देख रहे हो, मेरी क्यों बातें सुनते हो? क्योंकि एट सम लेवल तुम मुझसे कनेक्ट कर रहे हो, एट सम लेवल तुम अपने आप को मेरे अंदर देखते हो कि एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा था, या फिर कुछ क्वालिटीज तुम्हारे अंदर हैं जो मेरे अंदर भी हैं, तो तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों का मैं पर्सपेक्टिव लेता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे लाइफ के जो बिलीव्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग एक साइड पे नहीं है, वो बड़े ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन बड़े पोलराइज नहीं है, मतलब किसी एक तरफ पे नहीं जाते, वो ओवरऑल ऐसे बिलीव्स हैं जो कोई भी उनके साथ रिलेट कर सकता है और कोई भी जिसके अंदर थोड़ी बहुत कॉमन सेंस हुई वो उस बात को समझ सकता है। मैं जब नए लोगों से मिल रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनका पर्सपेक्टिव पहले कहीं सुना हुआ है या फिर पहले कहीं देखा हुआ है। तो लोगों के थ्रू जितना कॉन्वर्जेशन तुम इकट्ठी कर सकते हो, मीट न्यू पीपल, जितनी तुम बातें कर सकते हो और अंदर की बातें, डीप बातें, फालतू की बातें नहीं कि व्हाट्सएप पे तुम मैसेज भेजते हो GNSDMG पता नहीं क्या, गुड मॉर्निंग, स्वीट ड्रीम्स, घंटा, वो सब नहीं। मीट अ पर्सन, टॉक टू देम, ठीक है, लोगों को मिलो। कॉलेज में मैं कोई सीनियर लगता है बड़ा कूल है, उससे 5-10 मिनट का टाइम मांगो लंच ब्रेक में, बस हाय हेलो करो। एक दिन तुम 5-10 मिनट की जगह आधे घंटे एक घंटे लोगों से बात करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स होंगे ऑफर करने को। और सेकंड चीज जो मैं चाहूंगा तुम करना शुरू करो वो है ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग के थ्रू यही सारी चीजें तुम कर सकते हो लेकिन इन मल्टीपल लोकेशंस। इसका मतलब अगर एक दिन तुम्हें बड़ा आदमी बनना है जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा हो, ग्लोबल लेवल पे उसके दोस्त हो, ग्लोबल लेवल पे लड़कियां पटा रहा हो, कैसे होगा वो जब तुम्हारे पास ग्लोबल लेवल का एक्सपीरियंस हो, ग्लोबल लेवल पे तुमने दुनिया देखी है, नई इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करी है। अगर तुम्हें ये नए बेसिक टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज हिट दिस वीडियो विद अ लाइक और एक कमेंट हो को। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है या फिर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, कैम्बली की जो ऐप है चेक इट आउट, इंग्लिश ऐप है वो, इंग्लिश सीखने के लिए मैंने नीचे लिंक डाला हुआ है, यू कैन साइन अप एंड यू कैन टॉक टू पीपल ओवर देयर अलग अलग देशों से। सी यू सून।